गुरप्रीत, हौसला रख गुरप्रीत, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। सबकी परीक्षा लेता रहता है रब। मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूं, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ क्या? समझ सकती हो परजाई जी? नहीं, नहीं चाहिए मुझे आपकी दया की भी, और उस औरत से तो बिल्कुल भी नहीं जिसको रब ने दो दो औलादे दी है, जिसमें से एक को गले लगा दी और दूसरे को धुतकार दी है। मैं पूछती हूँ क्यों, क्यों रब ने आप जैसी औरत की झोली में औलाद का सुख डाला जिसे औलादों की परवाह ही नहीं है। ये बच्ची क्यों दी रब ने ये बच्ची आपको, और कैसे कैसे प्यार करोगी आप इसको जब ये आपकी? गुरप्रीत, देख गुरप्रीत, मैं समझ रही हूँ कि तू बहुत तकलीफ में है, पर नहीं कहो पर जाए रब का वास्ता है आपको, नहीं कहो कि आप सब कुछ समझती हो। ये दर्द मुझे रब ने नहीं आपने दिया है पर जाए गुरप्रीत, ये क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ, कैसे समझोगी आप इस दर्द को? समझ सकती हो मुझे कैसा लगता होगा जब मेरा पति मैंने झटके आपके आगे पीछे भागा फिरता है, आपका नाम आता नहीं कि जैसे जैसे उनके पैरों में घुंघरू बज जाते। कैसा लगता होगा जब आपका पति आपसे ज्यादा किसी और औरत का ख्याल रख के? यही वजह है परजाई जी, इस बच्ची से आज तक आप दूर हो, नहीं अपना पाई, तो सोचो मुझे कैसा लगेगा। संपूर्ण वेशी ने जो भी किया वो सबके सामने, लेकिन आप भी तो वहीं पर जाए जी। प्लीज आपको छोड़कर चलेगा तो आपसे मेरा घर मेरा सुख नहीं देखा जा रहा है। जाने अनजाने आप मेरे और मेरे पति के बीच गुरप्रीत, पर जाए जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, बंद करो और जहर घोलना मेरे और मेरे पति के बीच में, हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। वीरा, वीरा, बेटी, ये क्यों लेकर आई? वो चाची आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी ना, इसलिए उनका तकिया ले, अब वो सो ही नहीं पाएंगी। जो हुआ सो हुआ, एक ही कितना। बीजी, वो आपको डांट रही थी ना, इसलिए ले आई। रतन पर जाए जी। सर। रतन पर जाए। रेंदी हो गए क्या? देख के चलना। ये परजाई जी ने क्यों है? कहीं गुरप्रीत ने तो कुछ